हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुजीब खान है। मेरे चैनल मल्टी रिपेयर में आपका स्वागत है। अभी मैं आपके सामने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आया हूँ वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में प्रॉब्लम ये है कि ये बॉडी शॉर्ट कर रहा है। ये बॉडी शॉर्ट तब कर रहा है जब इसके अंदर कोई फंक्शनिंग में हो या फिर चालू हो, तभी बॉडी शॉर्ट कर रहा है। जब ये स्टॉप पे होता है तब ये बॉडी शॉर्ट नहीं करता है। इसका मतलब ये एक बात साफ साफ समझ में आ रही है कि इसके अंदर बॉडी शॉर्ट जब फंक्शनिंग में होता है तब वो पार्ट में करंट जाता है और वो बॉडी शॉर्ट करता है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अभी मैं कैमरामैन थोड़ा यहाँ लगाइए। आप मैं आपको चंद पॉइंट बताता हूँ। ये एक पॉइंट देख लीजिए, ये ग्रीन वायर्स हैं। ये ग्रीन वायर्स बॉडी की अर्थ के होते हैं। ये ग्रीन वायर्स जहाँ भी रहेंगे, ये कलर कोड इनका ग्रीन ही होता है। अक्सर ये बॉडी अर्थ के होते हैं। ये दो वायर हैं और इधर बताइए ये एक वायर है, तीन। ये भी बॉडी अर्थ का ही वायर है। ये एक है पॉइंट। दूसरी एक चीज़ ये है सेंसर, बायोमेटल कहा जाता है इसको। ये बायोमेटल का काम ये है, जब ये प्लेट गर्म हो जाए, यहाँ बताइए, जब ये प्लेट गर्म हो जाए तब ये बायोमेटल इसको ट्रिप करके अपने हीटर को बंद कर देता है। ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से भी बॉडी शॉर्ट हो सकता है। तो यहाँ भी आप हमको जो है तो इसको डिसकनेक्ट करना है। ये भी सेंसर है, ये देखिए ये सेंसर यहाँ आ रहा है। ये सेंसर का भी काम यही है कि जब ओवर हीटिंग ओवन में हो जाए तो ये सेंसर यहाँ से उसको सिग्नल देता है यहाँ से, और फिर ये यहाँ आकर इस जगह यहाँ आकर के सिग्नल बोर्ड तक जाता है और तब के जाके फंक्शनिंग बंद हो जाती है। ये इसका मैग्नेट्रॉन है, कैमरामैन यहाँ बताइए, ये मैग्नेट्रॉन है। ये मैग्नेट्रॉन भी आप देख रहे हैं बॉडी से कनेक्टेड है और इसके अंदर भी करंट के वायर जा रहे हैं नीचे से। ये वायरिंग जो जा रही है नीचे से, ये यहाँ से मैग्नेट्रॉन में, मैग्नेट्रॉन से बॉडी में हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता रहा था ये ग्रीन वायर जो ये मदरबोर्ड से अटैच है, यहाँ पे उंगली के पास, हमारी उंगली के पास मदरबोर्ड से अटैच है यहाँ पे। तो बाय चांस इस किट में भी अगर करंट आता है और यहाँ से कनेक्ट हो जाता है तब भी बॉडी शॉर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद आप नीचे आइए, ये नीचे एलिमीटर है, इसको ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ये ट्रांसफार्मर भी आप देख रहे हैं ये स्क्रू से, मीन अगर ये पट्टी के अंदर भी करंट उतरता है तब भी बॉडी शॉर्ट होने के चांसेस है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं इन सब पॉइंट्स को इससे बॉडी से अलग करता हूँ, ताकि अलग करने के बाद अगर इनमें से किसी भी पॉइंट से करंट अगर अंदर आ रहा है तो हम उसको समझ सकें। टेस्ट करने का तरीका ये है कि पहले बॉडी से अलग कर लिया जाए, ताकि हम वन बाय वन एक एक पीस को, जैसा मैग्नेट्रॉन है, जैसा एलिमीटर है, जैसा ये पावर किट है, जैसा बायोमेटल है, जैसा ये सेंसर है, ये जितने भी टाइप की चीज़ें हैं जो इसमें अटैच्ड है, इनको बॉडी से अलग करके हम एक एक को चेक करेंगे। अभी आपको बताता हूँ कैसे चेक करते हैं। अब देखिए भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको बोला था कि ये मैं सब अलग करूँगा तो मैंने अलग कर लिया है। अब ये देखिए, ये ग्रीन वायर ग्राउंड का है जो ये पावर किट से कनेक्टेड है, मैंने इसको अलग कर लिया है। ये भी ग्राउंड का वायर है जो मेन सप्लाई है उसमें से है, उसको भी मैंने अलग कर लिया है। ये जो बायोमेटल के है दो कनेक्शंस, ये यहाँ से मैंने उसको अलग कर लिया है। और ये जो सेंसर था हीटिंग सेंसर, इसको भी मैंने यहाँ से अलग कर लिया है। और आपको जैसा बताया था मैंने, ये ग्रीन वायर जो यहाँ लगा हुआ था इसको भी मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद ये जो एलिमीटर ट्रांसफार्मर के जो दो कनेक्शंस थे, ये वाला और ये वाला, ये यहाँ और यहाँ लगे हुए थे, मैंने ये दोनों को भी अलग कर लिया है। उसके बाद इधर आइए, इधर एलिमीटर में, एलिमीटर के ये दो पॉइंट डिसकनेक्ट हो गए। ये यहाँ से ये दोनों मिले हुए, बट ये दोनों एलिमीटर में ही हैं, आपके समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये वायर यहाँ से ये जो जा रहा है ये एलिमीटर में ही है, और यहाँ से निकल के ये सीधा मैग्नेट्रॉन में जा रहा है। इधर से ये जो पॉइंट है ये भी एलिमीटर में ही है, ये भी मैग्नेट्रॉन में जा रहा है, हो गई बात। इसके बाद ये जो फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ बॉक्स से जो सप्लाई निकल के बाहर आया है, वो सप्लाई ये है जो यहाँ लगा हुआ होता है, जिसको मैंने यहाँ से अलग कर लिया है। उसके बाद ये जो डाइवर्ट की बात चल रही थी, ये डाइवर्ट को मैंने कैपेसिटर से
अलग कर लिया है। उसके बाद ये दीजिए, ये देखिए कैपेसिटर को भी मैंने एकदम खुला कर दिया है। उसके बाद ये मैग्नेट्रॉन के भी ये जो दो कनेक्शंस थे मैंने इसको भी डिसकनेक्ट कर लिया है। अब हम इसको एक एक करके टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने का तरीका बता देता हूँ। पहले हम ये लेंगे मल्टीमीटर। ये है मेरा मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को हम जो है तो बज़र के ऊपर सेट करेंगे। ये बज़र ऑप्शन के ऊपर आ, ये यहाँ पे आप नज़र रखिए, यहाँ बताइए। अब ये ग्रीन वायर जो है मदरबोर्ड का, जो ग्रीन वायर है ये मदरबोर्ड का, इससे कनेक्ट करके देखते हैं, ये नहीं बता रहा है। फिर उसके बाद न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर लगा कर देखते हैं, ये भी नहीं बता रहा है, मतलब इसमें से कोई शॉर्टिंग इधर नहीं आ रही है। अब दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं हीटर। ये जो हीटर है, ग्रिल का हीटर है, ये जो दो पॉइंट आपको अंदर नज़र आ रहे हैं क्लियर, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, दोनों को भी बॉडी से चेक करना है। अब वो इस तरीके से चेक करेंगे, मैं एक वायर जो है तो मीटर के ऊपर लगाऊंगा, हीटर के ऊपर, हीटर के इस पॉइंट पे। ये देखिए, बताइए आप, ये इस पॉइंट पे मैंने एक कनेक्ट किया है और एक जो है तो बॉडी के ऊपर टच करता हूँ। आप मीटर पे बताइए, ये देखिए मीटर पे कोई रीडिंग नहीं है। अंदर से ऊपर से लो, ऊपर से, हाँ ले ऊपर से, देखिए कोई रीडिंग नहीं है। अब उसका दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ग्रिल हीटर का, ये पॉइंट बताओ। उसी तरीके से ये ग्रिल हीटर के दूसरे पॉइंट को जब मैंने वायर लगा लिया है, फिर बॉडी को टच करके देखता हूँ, कोई रीडिंग नहीं है, मतलब ये ग्रिल हीटर भी सही है। अब हम आते हैं यहाँ पे ये सेंसर पे। सेंसर को टच करने के बाद बॉडी से कनेक्ट करके देखना वैसे तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेंसर मदरबोर्ड में, और ये मदरबोर्ड कहीं भी बॉडी को टच नहीं है, फिर भी टेस्ट कर लेते हैं मीटर में, बताओ इसमें भी कुछ नहीं है। अब हम आते हैं मैग्नेट्रॉन पे। ये है मैग्नेट्रॉन के दोनों पार्ट को, दोनों पॉइंट्स को, ये नीचे पॉइंट्स है उसके कनेक्शन पॉइंट्स को, एक वायर लगाना है एक पॉइंट को और एक बॉडी को लगाना है कहीं भी, बताइए यहाँ पे। ये बॉडी को लगा दी हमने, यहाँ कोई रीडिंग नहीं है। अब मैग्नेट्रॉन का दूसरा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको भी लगा के यहाँ रीडिंग चेक करना है, यहाँ भी कहीं नहीं है, हमको इसका माइनस प्लस पॉइंट पता चलेगा। इसमें हमारे को कहीं भी कोई रीडिंग नहीं नज़र आ रही है, मतलब ये भी क्लियर है कि ये भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम कैपेसिटर को देखते हैं, ये जो कैपेसिटर है ये वाला। अब हम इस कैपेसिटर को चेक करते हैं बॉडी से। ये देखिए, कैमरामैन उसको बताइए, मीटर पे बताइए, ये देखिए कोई रीडिंग नहीं है। अब ये यहाँ पे बताइए, कोई रीडिंग नहीं है, कोई भी रीडिंग नहीं है। अब बचा है हमारा हमारा ट्रांसफार्मर। अब हम इस ट्रांसफार्मर को चेक करेंगे, इसके पॉइंट्स हैं, देखिए बताइए, इधर वन पॉइंट है, ये एक इनपुट का, ये दूसरा इनपुट का है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है, ये आउटपुट एक यहाँ पे अटैच है, और ये फ्यूज़ के ज़रिए से ये कैपेसिटर के अंदर इंटर होके कैपेसिटर से आउटपुट ये है। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको टेस्ट करने का तरीका ये है, पहले ये पॉइंट को लगा लो, ये देखिए, ये मैंने जो इसके मेन पॉइंट्स है उसमें से, जिसमें से करंट इन होता है, उसमें से एक पॉइंट को टच करके बॉडी में लगाया है। देखिए सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं बता रहा है। अब उसके दूसरे पॉइंट को लगाया है, ये देखिए बाजू का पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, ये देखिए मेरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरी उंगली से जो पॉइंट लगा हुआ है, इससे भी बॉडी कनेक्ट करके हम देख रहे हैं, इसको भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अब बचा है इसका एक ये पॉइंट, जो ये फ्यूज़ में से है, देखिए ये फ्यूज़ में से ये जो पॉइंट आ रहा है, ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा, इसको हम फ्यूज़ को निकाल लेते हैं थोड़ी देर के लिए, यहाँ आपको एक पॉइंट नज़र आएगा यहाँ पे।
ऐसे इस साइड से बताइए, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये पॉइंट्स, ये पॉइंट जो है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये पॉइंट को यहाँ पे लगाया और एक बॉडी को लगाया। रीडिंग देखिए, रीडिंग बताइए, रीडिंग ये देखिए, ये चोर हमारा हाथ में आ गया है। ये 1.3, 1.4, 1.1 तक आ रहा है, इसका मतलब ये काफ़ी अच्छा खासा करंट है। जब भी इसका एलिमीटर ऑन हो रहा था तब इसके अंदर करंट आ रहा था। देखिए इस पॉइंट से, यहाँ से बॉडी शॉट है, मतलब हमारा जो है तो फॉल्ट हमारे समझ में आ गया है। हमारा फॉल्ट इसके अंदर है, इसके अंदर है। ये जो है एलिमीटर है, ट्रांसफार्मर है, इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फॉल्ट निकालने का एक तरीका जो मैंने कोशिश करके आप तक पहुंचाई है। मेरी ये पहली वीडियो है, इसमें कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन पे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।